अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं भिंडी और गोश्त की रेसिपी। इस रेसिपी में हम डालेंगे आधा कप घी, आधा किलो भिंडी, आधा किलो गोश्त, मिर्ची, नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, लहसुन, सूखा धनिया, दो टमाटर, एक प्याज। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे भिंडी। भिंडी फ्राई हो चुकी है, हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने एक लिया था। प्याज को फ्राई करेंगे। एक चम्मच लहसुन लिया था हमने। अब इसमें टमाटर जाएंगे। अब इसमें मसाले जाएंगे, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, नमक, मसालों को अच्छी तरह भुनेंगे। अब इसमें सालन का मसाला जाएगा, एक चम्मच। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें जाएंगे भिंडी। भिंडी को हमने पहले से फ्राई किए थे, अब इसमें भी फ्राई होंगे ताकि मसाले इसके साथ सारे मिक्स हो जाएं। भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जाएगा गोश्त। भिंडी हमारी तैयार है, क्योंकि भिंडी पहले से हमने फ्राई की थी। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक लेंगे। चूल्हा अभी हम बंद कर देंगे। भिंडी हमारी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।